अभी आप लोग बिजली चेक करो। अभी आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हो क्या है, यहाँ पे देखो ऑगी भी जो है इसमें मॉडिफिकेशन होने वाली है, इसमें मस्त वाली। अपने मिक्की का एक बार साउंड चेक करो गाइस। हेलो भाई लोग, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। तो कैसे आप सब, होप के सब बढ़िया ही होगे, फिट एंड फाइन होगे, अपने भाई के ब्लॉग्स देख रहे होगे। सो भाई लोग, अभी आप लोग देख पा रहे होगे यहाँ पे जुबैदा रखा है एंड यहाँ पे अंकुशा रखा है एंड हाँ हमारी बाइक जो है यहाँ पे खड़ी हुई है। चुप जाओ ना थोड़ी देर गाइस। यहाँ पे अपनी मिक्की खड़ी है एंड यहाँ पे जुबैद की ड्रैगन खड़ी है। दोनों बाइक जो है एकदम व्हाइट एंड पूरा जो है BMW वाला लुक आ रखा है इसमें। ये पता नहीं GoPro स्टॉप करने के चक्कर में, बट हो नहीं पाएगा बिकॉज मैंने इसका बंद कर रखा है इसलिए। तो गाइस अभी फिलहाल हम लोग जाना है कहाँ पे, ठीक है गाइज, हम लोग जाना है सिद्धू भाई के घर पर, वहीं जाके मिलते हैं। चलो गाइज, मुझे बाइक चलाते चलाते भी पसीना आ गया और अभी आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हो क्या है, यहाँ पे देखो ऑगी ऑगी गाइज। ये देखो अपनी 390 खड़ी है यहाँ पे एंड यहाँ पे ऑगी लिखा हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। अभी जो है इसमें मॉडिफिकेशन होने वाली है, इसमें मस्त वाली क्या एनिमेशन लाने वाला है, जो भी होगा बहुत प्यारा सीन होगा। एंड अपनी मिक्की यहाँ पे खड़ी है, वहाँ पे जुबैद की ड्रैगन खड़ी है। अभी अंदर चलते हैं, सिद्धू से मिलते हैं। गाइज देखते हैं क्या होगा। क्या हाल चाल ब्रो, मेरी तबीयत खराब हो रही है ना गाइस, आज इसकी तबीयत खराब हो रखी है थोड़ी सी, तो हम इससे मिलने आ गए। हमने सोचा पेशेंट से मिल के आया जाए। इसे क्या हुई है, क्या मंगाया ऑनलाइन, बता बता गाइस। ये पता नहीं किस लिए भाई, किस लिए, ये मसाज करने के लिए। ला तेरी मसाज करूं ना, 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 मुझे नहीं करवानी। गाइस मैं इसके बालों की मसाज कर रहा हूँ। इस बालों की नहीं होती इससे, इंटीमेट वॉश। हाँ अच्छा, बाल धुलते हैं गाइस। पता नहीं क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। अच्छा सही करने से इधर तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे बहुत देर से बैठे थे, अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं मैं और जुबैद। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा नहीं होगा, थोड़ा अंधेरा हो गया होगा, तो उस जगह पे ना जुबैद का काला काला पिछवाड़ा देखा था। इसने वीडियो रिकॉर्ड करी, अगर आप लोग देखना चाहते हो ना तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दो, ठीक है, जल्दी से। देखते कितने लोग हाँ कमेंट करते हैं, कौन कितने देखना चाहते हैं इसका। तो गाइस अभी आप लोग देख पा रहे होंगे पीछे, क्या मानता है तू पुस्सी, अब इसकी झंड करूंगा देख। तो गाइस अभी आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोग स्टैंड पॉइंट पर रखे हैं एंड हम लोग यहाँ पे एक दो रील शूट करेंगे। एंड आप लोग सामने देख पा रहे होंगे जुबैद की RR 310, इसमें जो है जुबैद ने इसमें 10R वाले मिरर्स इंस्टॉल कर दिए हैं, काफी प्यारे लग रहे हैं। पता है मेरे को इसमें अजीब सा क्यों लग रहा है, ये जो है ना बहुत ज्यादा साइड को मतलब सीधे टाइप के लग रहे हैं, हल्का सा अगर टिल्ड होते ना इतना तो भाई बहुत प्यारे लगते हैं सच में, बट बहुत ज्यादा सीधे हो जाने हैं। तो गाइज ये पहले मैं लगाने वाला था बट जुबैद ने अपनी बाइक में इंस्टॉल कर लिया। अभी मेरे जो H2 वाले मिरर्स हैं वो अभी जुबैद के पास ही हैं, वो मैं सोच रहा हूँ अभी ना लगाऊं, क्योंकि जो मेरे ओरिजिनल वाले मिरर्स हैं ना भाई बहुत प्यारे लग रहे हैं भाई, तो अभी बाद में देखते हैं, जब लगाएंगे तब देख लेंगे जो भी सीन होगा। अभी फिलहाल यहाँ पे एक दो रील शूट करते हैं देन निकलते हैं। बाइक को सिर्फ मशीन बोलने वालों, जिस दिन इस मशीन से प्यार हो जाएगा ना गाइज, हमारा जुबैद अभी रील बना रहे हैं आप लोग देखो। बाइक को सिर्फ मशीन बोलने वालों, जिस दिन इस मशीन से प्यार हो गया ना, इसके सिवा कुछ अच्छा नहीं लगेगा। गाइस अभी ना जुबैद मेरी बाइक लेके जा रहा है और इसकी ऐसी तैसी मारेगा, आई मीन व्हीली मारेगा इससे, लेट्स सी इससे व्हीली पड़ती है या नहीं। तो गाइस अभी आप लोग व्हीली चेक करो, मस्त मस्त अपनी बाइक से, साउंड बहुत ज्यादा लाउड आ रहा है भाई, बहुत ज्यादा लाउड है। ओबे कहाँ लेके आ रहा, आज मजा नहीं आ रहा यार। इस बार लेके गया अच्छी लेके गया इस बार। गाइज मैं आप लोगों की बात बताऊं, इसकी जो G310 है ना, इसका पूरा टायर घिस गया यहाँ पे, आप लोग देख पा रहे होंगे पूरा टायर जो है इसके वायर्स बाहर आ गई हैं। बाद इसका जो है बर्नआउट मार के टायर खत्म करेंगे बहुत जल्दी। तो गाइस 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 अभी देखो अपनी मिक्की जो है यहाँ पे खड़ी हो गई है, अभी जुबैद जो है अपनी ड्रैगन से मारने वाला है व्हीली। लेट्स सी ड्रैगन से कैसी कैसी व्हीली पड़नी है, इससे तो भाई अल्टीमेट व्हीली पड़ने वाली है। गाइस चेक करो, इस बार अच्छी थी, ज्यादा ऊंची नहीं गई लेकिन लंबी जरूर गई। कुछ बोलना चाहेगा, बाल लग मार रहा है सच्ची तो।
अरे कहाँ को ला रहा है गाइस, मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहूंगा क्योंकि अगर आया लेकिन लास्ट टाइम क्या पता कंटेंट ही दे दे। सो गाइस गुड मॉर्निंग, आज नेक्स्ट डे एंड कल वाला ब्लॉग जो है मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूँ बिकॉज कल जो है बहुत छोटा ब्लॉग था। कल मैं क्योंकि घर पे आने के बाद वहाँ से पहले हम स्टैंड पॉइंट गए थे, वहाँ से आने के बाद हम रामनगर चले गए थे एंड रामनगर में थोड़ा काम था मुझे। कल शाम बहुत लेट हो गया था, 8-9 बजे आए थे घर पे एंड अभी आप लोग सामने का माहौल देख पा रहे हो, पूरा बारिश बारिश वाला हो रहा है एंड अभी कहीं जाने का भी मौसम नहीं हो रखा। यहाँ पे खड़ी अपनी हायाबुसा, तो भाई अभी देखते हैं अगर बारिश रुकती है तो कहीं जाने का प्लान बनेगा। बाकी जो है आगे आप लोगों को कंटिन्यू ब्लॉग देखने को मिलने वाला है। गाइस अभी मैं ये अगरबत्ती जलाने आया था क्योंकि मेरे रूम में ना बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए हैं और ये अगरबत्ती जो है ना मच्छर मारने वाली है। 2-3 मक्खी घूम रही है, 2-3 मच्छर घूम रहे हैं। रूम से बाहर कहीं जा नहीं सकता, बाहर बारिश पड़ रही है भाई, मैं तो परेशान हो गया। तो गाइस अभी जो है फिलहाल बारिश रुक गई है एंड अभी मैं जा रहा हूँ अंकुश को लेने। मतलब बारिश प्रॉपर तरीके से क्योंकि हल्के हल्के छींटे पड़े हैं एंड अभी सामने जो है अपनी मिक्की की कोल्ड वॉर्म पे लगी है। अपनी मिक्की का एक बार साउंड चेक करो गाइस। ओ एंड हाँ भाई लोग एक चीज़ और, इसका जो इंजन वाली लाइट है ना ये ठीक नहीं हो पा रही, पता नहीं क्यों, ये समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है मेरे को। एंड कभी कभी बंद हो जा रही है, कभी कभी चालू हो जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। जो भी है अभी मैं 1-2 दिन बाद काशीपुर जाऊँगा शोरूम में तो वहाँ जाके दिखा लूँगा। यहाँ पे जो रोड खुदी थी ना यहाँ पे कितना कीचड़ कीचड़ हो गया, गंदा गंदा हो गया। इतनी साफ रोड रहती थी ना, जब से यहाँ पे रोड खोदी है तब से यहाँ पे कीचड़ कीचड़ रहने लगे। गाइस अभी मैं अंकुश के पास पहुंच गया हूँ, यहाँ पे 15 मिनट से वेट कर रहा हूँ, उसको फोन कर करके परेशान हो गया। उसने मुझे यहाँ पे बुला तो लिया है लेकिन बाहर निकलने को राजी नहीं है अभी तक। अभी मैं अपनी मिक्की यहाँ पे खड़ी है भाई, बहुत देर से ये भी वेट कर रही है। बरसात में ना मैं इसी वजह से वॉश नहीं कराता हूँ, खाली एक दिन वॉश कराओ अगले दिन गंदी हो जाती है। अभी जब बारिश रुक जाएगी अच्छे से तभी मैं करवाने वाला हूँ वो। देखो अंकुश कितना ही भाई, कितनी तेज आ रहा है, वाह व्हाट अ स्पीड ब्रो, व्हाट अ स्पीड। धीरे आ भाई, बहुत धीरे आ। शक्तिमान। तो गाइस अभी इसे लेके चलता हूँ और काम पे लगाता हूँ, चलो। अभी हम उसको लेके आ गया हूँ और अभी जो है सफाई शुरू कर लिया। मम्मी यहाँ पे झाड़ू लगा दी है, जो यहाँ पे टेबल थी ना वो हम लोगों ने बाहर निकाल दिया। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, ये टेबल जो है यहाँ पे लगा दी है। अभी जो ये बेड है ना इसको मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना है एंड बाकी देखता हूँ और कैसे कैसे क्या क्या शिफ्ट होगा सब कुछ मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। अभी फाइनली हम लोगों ने जो है रूम का सेटअप कर लिया, मतलब मेरे बेड की जो लोकेशन थी वो भी चेंज कर दी, जो अलमारी की लोकेशन थी वो भी चेंज कर दिया और जो टेबल की लोकेशन थी वो भी चेंज कर दिया। बंद कर ले मादर। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मैंने कहाँ पे क्या शिफ्ट किया। देखो सबसे पहली चीज जो टेबल, ये वाली टेबल यहाँ पे थी, यहाँ से उठा के यहाँ कर दी, ठीक है। और जो बेड मेरा यहाँ पे था यहाँ से उठा के वहाँ पे कर दिया है, जैसा अंकुश यहाँ पे पड़ा रहता था सेम वहाँ पे पड़ा है, ठीक है। और वो जो यहाँ पे अलमारी रखी थी वो अलमारी आ गई यहाँ पे, और जो गिटार था वो उसके ऊपर आ गया, और वहाँ पे जो वाईफाई था मैंने वहाँ पे टांग दिया ऊपर, आप लोगों को दिख पा रहा होगा। तो भाई लोग पूरा सेटअप जो है अलग ही कर दिया मैंने। अभी इसमें एक टेबल और लगानी है, वो अलग सेटअप दूसरे किसी काम के लिए, मैं आप लोगों को बता दूंगा बाद में। तो भाई अभी रात हो गई है एंड अभी मैं निकल रहा हूँ पीरमदर के लिए। पीरमदर जाके मुझे बाल कटवाने हैं थोड़े से, काफ़ी लंबे हो गए। और मम्मी यहाँ पे बैठी हैं मस्त, और भाभी वहाँ बैठी हैं। मम्मी मैं आ रहा हूँ अभी, हाँ ना बंद नहीं करूँगा बताओ, बिना बंद करे बताओ। अच्छा पर्सनल है थोड़ा। तो गाइस अभी मिलते हैं थोड़ा पर्सनल बात करके। तो गाइस अभी पहुंच गए हैं अपने नावेद भाई की शॉप में एंड मस्त करके बाल कटाते हैं। मुझे बस बाल ही कटाने हैं क्योंकि दाढ़ी तो फिलहाल ठीक है, बाल कटाते हैं देन निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी मैं घर आ चुका हूँ बाल कटवा के एंड अभी मैं मस्त नहा धो के खाना खाता हूँ एंड आज के ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करते हैं। होप सो भाई लोग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, काफी लंबा ब्लॉग हो गया है वैसे तो, बट होप सो भाई लोग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा सी यू सून।